देख रहे हैं न्यूज़ वन 11 और मैं हूं आपके साथ सानिया। अयोध्या पर आए सुप्रीम फैसले के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान आया है, जहां उन्होंने कहा है कि आज अयोध्या पर कोर्ट का फैसला आया है और इसको सभी समुदाय के लोगों को मानना चाहिए और बगैर विवाद के उन सभी निर्णय का स्वागत करें। वहीं सीएम ने मीडिया के माध्यम से राज्यवासियों को अयोध्या फैसले को लेकर शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने कहा है कि अयोध्या मामले पर कोर्ट का जो फैसला आया है उसका हम सभी को सम्मान और स्वागत करना चाहिए। फैसले को लेकर किसी भी प्रकार की शांति या आपसी सौहार्द को बिगड़ने न दे, इस तरह से बार बार लोगों से शांति का वातावरण बनाए रखने की अपील करते नजर आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इतना ही नहीं और भी क्या कुछ कहा सुनिए। बहुत सही है, हम लोगों का भाई इधर कर दे, ठीक है तुम मोटा रहो, ठीक नहीं है मेरा फ्रेम सही है, लाइव ठीक ठीक मोटा समस्या का हल आपसी सहमति से हो या न्यायालय के आदेश से। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया, अब जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है सब नहीं स्वीकार करना चाहिए, इसका स्वागत करना चाहिए और इस मसले का यह समाधान है कि सबको एक दूसरे के प्रति और तुम नीचे रखो ना, वहीं पर लोग क्यों खराब कर दिया है पूरे तौर पर स्वीकार करना चाहिए और यही समाज में प्रेम और सद्भावना का वातावरण के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। ये मेरा अपना विचार है, जो कुछ भी आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला है बहुत ही स्पष्ट फैसला है, यूनैनिमस फैसला है, एक मत से फैसला है और उन्होंने सरकार को कुछ जिम्मेवारी दी है और सब कुछ सारी बातें कही है, इसलिए हर पक्ष को गौर से सुनने के बाद जो कुछ भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है हम सबको पूरे देश के लोगों को इसे अच्छी तरह स्वीकार करना चाहिए, सम्मान के साथ स्वीकार करना चाहिए और इस मसले पर किसी तरह का विवाद अब आगे नहीं होना चाहिए, यही हमारा व्यक्तिगत रूप से सब लोगों से आग्रह। हालांकि अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है, लेकिन कोर्ट के इस फैसले में विवाद जमीन राम जन्मभूमि न्यास को देने का फैसला किया है, यानी विवादित जमीन राम मंदिर के लिए दे दी गई है, जबकि मुस्लिम पक्ष को अलग स्थान पर जगह देने के लिए कहा गया है, यानी कोर्ट ने अयोध्या में ही मस्जिद बनाने के लिए अलग जगह जमीन देने का आदेश दिया है। मंदिर निर्माण के लिए कोर्ट ने केंद्र सरकार को 3 महीने के अंदर ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया है, जहां चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने यह फैसला सर्वसम्मानित से दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में अयोध्या की विवादित जमीन का अधिकार हिंदू पक्ष को दे दिया है। साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि 3 महीने में एक ट्रस्ट बनाया जाए जो मंदिर निर्माण का काम देखे, यानी कोर्ट का फैसला राम मंदिर के पक्ष में गया है और वही अब केंद्र सरकार को आगे की रूपरेखा तय करनी है। हालांकि मुस्लिम पक्ष के वकील जफर याब जिलानी द्वारा कहा गया है कि हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन फैसले में कई विरोधाभास है, लिहाजा हम फैसले से संतुष्ट नहीं है। साथ ही कहा कि हम फैसले का मूल्यांकन करेंगे और आगे की कार्रवाई पर फैसला लेंगे। वही सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि केंद्र सरकार 3 महीने में स्कीम लाए और ट्रस्ट बनाए, यह ट्रस्ट राम मंदिर का निर्माण करेगा। विवादित जमीन पर मुसलमान अपना एकाधिकार सिद्ध नहीं कर पाए, इसलिए विवादित जमीन पर राम जन्मभूमि न्यास का हक है, जबकि मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन किसी दूसरी जगह दी जाएगी। जी हां, केंद्र या राज्य सरकार अयोध्या में उचित स्थान पर मस्जिद बनाने को जमीन दे, इस तरह का फैसला निकल कर आया है। तो अभी फिलहाल इतना ही, ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वन 11। नमस्कार। न्यूज़ वन 11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।